हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज आकांक्षा शर्मा। वेलकम टू पाथ हायर्स एकेडमी। एंड आज के सेशन में, जैसा हम हर वीक करंट अफेयर्स अपने डिस्कस करते हैं, इस वीक भी हम अपने जितने भी नेशनल इंटरनेशनल सीजी के जो भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, आज भी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लास आज की शुरुआत करते हैं। एंड क्लास की शुरुआत करने से पहले एक और चीज़, लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो उसका आंसर्स हमने नहीं दे पाए थे। इट्स जस्ट कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो सॉरी फॉर दैट। अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होगा तो हम उसे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी कभी, तो कॉपरेट करके चलते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लास की शुरुआत जैसे कि हम हमेशा अपने कोटेशन से करते हैं, जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज एज अ स्टूडेंट लाइफ और एज अ ह्यूमन बींग भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो भी मोटिवेशनल चीज़ें रहती हैं, ये हमें लाइफ में बूस्टअप करती है अपने करियर में आगे बढ़ने के। तो हाँ जी, तो आज का कोट है, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ना कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम कोई एग्जामिनेशन में मतलब कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या हम कोई भी अपनी लाइफ की किसी भी चीज़ में, तो अगर फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं तो फेल हो जाते हैं। फॉर नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इट्स नॉर्मल फॉर एवरीबॉडी, है ना। तो कभी भी इसे गिव अप नहीं करना है ना। हमें हर कोशिश में, मतलब हर लाइफ के हर स्टेजेस में आगे बढ़ते रहना है। एंड फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। दिस लाइफ इज होल अबाउट लर्निंग ईच एंड एवरी डे टू बी अ बेटर पर्सन, है ना। तो हमें कभी भी अगर फेल हुए हैं तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चंस थे हम लोगों के, इसके आंसर्स देख लेते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन से इसके आंसर्स देख लेते हैं। विच छत्तीसगढ़ी मूवीज एक्सटेंडेड कांस फिल्म फेस्टिवल, तो इसका आंसर था बेला डेला। ठीक है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ फ्रांस, एलिजाबेथ बॉर्न। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड, ब्रुसेल्स में। ठीक है, और हु एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ राखीगढ़, राखीगढ़ के स्थल की खुदाई किसने की, अमरेंद्रनाथ जी ने। और इसके बाद था, इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूछी थी, तो ये इसके आंसर्स हो गए। ठीक है, इसी के साथ जस्ट अ सेकेंड सर, हमें अभी भी वो कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, फिर बच्चे पूछते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम इंटरनेशनल न्यूज से शुरुआत करते हैं, हमेशा जैसे अभी फिर से करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इस वीक की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी क्वाड, है ना। क्वाड की समिट हुई है, तो क्वाड जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि एज सुन एज जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ चेंजेस हो रहे हैं, चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हो रही है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्वाड जो एक हमारा जो मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीक उसकी समिट हुई है, तो अल्टरनेटली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्वाड की मीटिंग जो हुई है अभी हम लोगों की 24th May 2022 को हुई है। कहाँ पे हुई है, टोक्यो में हुई है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्वाड की 2022 की समिट कहाँ पे हुई है, टोक्यो में हुई है। ठीक है, और फोर नेशन क्वाड में कौन कौन से नेशंस हैं हमारे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड US। ठीक है, ये क्वाड के फोर मेंबर्स हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA, फाइन। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू एंश्योर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन बेसिकली क्या होता है कि देर आर फाइव ओशन इन द वर्ल्ड, है ना। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिला के जितनी भी कंट्रीज रहती हैं उसे हम लोग इंडो पैसिफिक नेशंस बोलते हैं, फाइन। तो मेन जो क्वाड का ऑब्जेक्टिव्स है एस्टेब्लिश होने का, यही है कि हमें फ्री प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक नेशंस चाहिए, है ना। और हम लोग अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करें, हर कंट्री एक दूसरे से कॉपरेट करके रहें एंड एक इंटीग्रिटी मेंटेन करें, ट्रेड रिलेशंस अपने स्ट्रॉन्ग करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्वाड के लिए मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्वाड के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अभी कहाँ पे हुआ है समिट, ये हम लोग को याद रखना है, टोक्यो में हुआ है और 24th May को हुआ है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन।
इसी के साथ हम देखते हैं कि क्वाड को सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, किसने सबसे पहले ये आइडिया बताया था कि क्वाड की हमको शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। तो 2007 में शिंजो आबे, जो कि जैपनीज प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ दैट टाइम, उन्होंने क्वाड की हम लोग को शुरुआत करनी चाहिए ये आइडिया स्टैब्लिश किया, है ना। तो 2007 में मतलब डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हु मोटेड द क्वाड एंड किसने इसकी नींव रखी है, किसने ये आइडिया को प्रदर्शित किया, तो किसने किया था, हमारे नीचे जैपनीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में, ना क्वाड से बेसिक ये। एंड अभी मेंस में भी क्वाड के क्वेश्चन आए तो क्वाड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी करंटली ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स होती रहती है, ये सारे हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली अभी मेंस में भी पूछे हैं क्वाड को पेपर 7 में, तो क्वाड ऑलरेडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बताया था कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, तो इसीलिए ये जो कंट्रीज हैं, सिर्फ ही चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को रोकने के लिए क्वाड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। क्वाड का फॉर्मेशन बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन को और स्ट्रॉन्गर करने के लिए, एंड बेसिकली इंडिया अपनी और स्ट्रांगली पोजिशन रख सके, एंड ये सारी चीज़ों के लिए हमारी ट्रेड बेहतर हो सके, इकोनॉमिक कॉम्परेशन बेहतर हो सके, एंड कल्चरल एक्सचेंज हो सके, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्वाड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो सिर्फ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को ही रोकने के लिए हुआ, इसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइन। तो ये हमारे क्वाड का ऑब्जेक्टिव्स हो गया। हम लोग ने देख लिया कि कौन किसने इस आइडिया को फर्स्टली बताया था, शिंजो आबे जी ने, एंड टोक्यो में इसकी समिट हुई है। एंड डिस्कशंस में अगर इसके हम लोग देखेंगे तो बेसिकली क्लाइमेट चेंजेस को लेकर डिस्कशंस हुए हैं, किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन्स को हम और बेहतर करेंगे, इस चीज़ के लिए डिस्कशंस हुए हैं। म्यांमार में जो क्राइसिस चल रहा है, जो कि वहाँ पे कूप हुआ था, जो दख्ता पलट हुआ था म्यांमार में, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के वहाँ पे जो मिलिट्री शासन लगाया गया, वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है ये इस क्वाड के डिस्कशंस में, ठीक है, इस क्वाड की मीटिंग। तो ये हमारे लिए क्वाड इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना। और इसी के साथ इसी समिट में क्वाड फेलोशिप वॉज लॉन्च एट द समिट, है ना। क्वाड फेलोशिप लॉन्च हुई है, इसमें क्या बताया गया है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट एम्स टू प्रमोट पीपल टू पीपल लिंकेज बिटवीन द फोर मेंबर ऑफ क्वाड, की फोर मतलब जितने भी क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, फाइन, ये चार नेशंस आते हैं। तो इन्होंने ये अभी बताया है कि हम लोग को एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ इन चारों नेशन से स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, यूएसए में जाके वो स्टडीज करेंगे। तो इससे क्या होता है, पीपल टू पीपल लिंकेजेस स्ट्रांग होता है, कल्चरल स्ट्रांग होता है, तो ये सारी चीज़ें इस समिट में डिस्कस की गई है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, फाइन। तो ये हमारे क्वाड का हो गया यहाँ पे, है ना। ये 25 स्टूडेंट्स को हर साल क्वाड नेशन से कौन कौन से, इंडिया, ये हमें अच्छे से याद रखना है ना, इंडिया जापान यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों जो हैं हमारे क्वाड के नेशन, है ना। तो अब इन चार कंट्रीज में से, मतलब इन तीन कंट्रीज में से 25 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी यूएसए में स्टडीज करने के, फाइन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटीज़ में, यूएसए, तो पीपल टू पीपल लिंकेजेस स्ट्रांग होंगे, हमारे बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, फाइन। तो ये इस समिट में ये सारे डिसीजंस लिए गए, ये सारे डिस्कशंस किए गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस जो हुए हैं वो ये हुए हैं IPEF, ठीक है। IPEF के बारे में डिस्कशन हुआ है। IPEF का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर प्रॉस्पेरिटी, फाइन। ये है IPEF का फुल फॉर्म। आप लोग उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस मतलब कौन से पर्टिकुलर टर्म के बारे में क्वाड समिट 2022 में डिस्कस किया गया है। तो जैसे हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, कुछ जो अलग अलग चीज़ों पे वर्क करते हैं, पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइंस होते हैं, जो पर्टिकुलर कि कोई एग्रीमेंट साइन होते हैं, जैसे COP26 वगैरह, जो पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज पे वर्क करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स अलग अलग इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी मीटिंग्स में साइन होते हैं। तो इस बार जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन,
तो जो बाइडेन जो उन्होंने आईपीएफ के बारे में बताया, ठीक है, आईपीएफ क्या होगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि ये सबसे पहली बात तो ये ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं रहेगा, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी सिर्फ धारणा बताई गई कि ये इस तरीके से होगा, है ना। तो इसके बारे में क्या बताया उन्होंने, ये ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली ये रहता है कि जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो उनके बीच में जो टैरिफ लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, बेसिक लैंग्वेज में टैक्स एंड ट्रेड की लैंग्वेज में टैरिफ, तो जो टैरिफ लगाया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है। बट आईपीएफ में ये अवधारणा दी गई है कि हमें वो रिड्यूस नहीं करना है, टैरिफ रिड्यूस नहीं करना है, और ऐसा एग्रीमेंट रहेगा जिसमें हम लोग फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड करेंगे, लाइक ऐसा ट्रेड रहेगा जो कंटिन्यूसली रहेगा, जो डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना, और फेयर रहेगा, ठीक है, जो जिनका जितना भी वैल्यू है उनको उतने वैल्यू मिलेगा, ऐसे नहीं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, सिर्फ फेयर ट्रेड होगा कंट्रीज के बीच में। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डीकार्बनाइजेशन में हम लोग हेल्प करेंगे इस एग्रीमेंट के थ्रू, एंड साथ ही साथ टैक्स और एंटी करप्शन पे भी वर्क करेंगे। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्वाड समिट में किस एग्रीमेंट या किस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की अवधारणा दी गई है, तो आईपीएफ की फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो ये बेसिकली हमें याद रखना है ना, और अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बेसिकली ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दोनों कंट्रीज सफर नहीं करेगी, उनको इक्वली राइट्स मिलेंगे, फाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये क्वाड के बारे में, जो इंटरनेशनल की एक चीज। एंड सेकेंडली जो हमारे अलग इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एंड हमारा अचीवमेंट है हमारे आशा वर्कर्स के लिए, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, ठीक है, 2019 से शुरू हुआ है, WHO ने शुरू किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड किसे मिला है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आशा वर्कर्स को, 10 मिलियन आशा वर्कर्स को ये अवार्ड मिला है, मतलब आशा वर्कर्स जो हैं इसमें 10 मिलियन जो आशा वर्कर्स हैं उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड क्यों मिलता है, बेसिकली जो भी हेल्थ के फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं और उसमें प्रमोशन अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों में और बहुत ही लोगों को उससे हेल्प मिलती है, तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है ना, WHO को देता है ये अवार्ड को, और इस बार हम लोग को किस किस को मिला है, आशा वर्कर्स को मिला है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इससे सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है ना। एंड इसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22nd मई, है ना, 22nd। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, तो बहुत इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं ना, तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22nd मई को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस बार किसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, है ना, ये डायरेक्ट हर जो डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी जो थीम रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस बार की इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की क्या थीम थी, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, फाइन। तो ये इससे हो गया, कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या है, इसमें से सिर्फ इतना ही हमको लेना है ना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस वीक की जो है एंड हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट भी है इंडिया के लिए, क्योंकि जो गीतांजलि श्री है इज द फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज, गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की पहली भारतीय विजेता है ना। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक में जो हिंदी की बुक्स लिखते थे उनमें इंटरनेशनल बुकर प्राइज में फर्स्ट जो मिला है अभी इनको ही मिला है रिसेंटली, गीतांजलि श्री को, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस बुक के लिए मिला है, तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला है, ठीक है। बेसिकली ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज में ये होता है कि जो हिंदी की कविताएं हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती है, तो इसको डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया था, टॉम्ब ऑफ सैंड मतलब रेत समाधि, ठीक है, ठीक। बेसिकली गीतांजलि श्री की बुक थी, हाँ जी गुड मॉर्निंग, गीतांजलि श्री की बुक थी रेत समाधि, है ना, इसको डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है
और टॉम वॉटसन। तो इससे ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज में किस बुक के लिए अवार्ड मिला है। तो रेत समाधि हिंदी में है और टॉम वॉटसन को ट्रांसलेट, जो रेत समाधि को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, ठीक है, टॉम वॉटसन। और किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया, डेजी रॉकवेल के द्वारा। एंड मिला प्राइज किसको है, गीतांजलि श्री, क्योंकि ये इनकी ओरिजिनल बुक है, राइट। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड इट वॉज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज बुक टू बी शॉर्ट लिस्टेड, अभी तक की, आज तक की ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज बुक है जो शॉर्टलिस्ट हुई है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया की बुक है ना। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड एवरी ईयर फॉर अ बुक दैट इज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके एंड आयरलैंड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में अगर थोड़ा सा जान लेते तो ये हर साल दिया जाता है, और इंग्लिश में जो भी किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है और पब्लिश होती है वो यूके और आयरलैंड में, तो उन बुक्स को सेलेक्ट किया जाता है, उनमें से जो बेस्ट रहती है उनको हर साल प्राइज दिया जाता है ना। इस बार किसको मिला है, रेत समाधि उनकी है गीतांजलि श्री की, और उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट हिंदी बुक। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फाइन। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज से कभी ना कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया की अचीवमेंट के बारे में है एंड फर्स्ट एवर काइंड ऑफ अवार्ड जो मिला है, तो ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। एंड अनदर वन ऑफ, एक और अचीवमेंट जो हमारी इंडिया की है एंड वन ऑफ द प्राइड मूवमेंट्स, ठीक है। तो इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन कॉम्बेट पायलट, अभी अभी कौन जो है इंडियन आर्मी से फर्स्ट वुमेन कॉम्बेट पायलट चुनी गई, तो उनका नाम है अभिलाषा बराक। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट हम लोगों से पूछे जाते हैं कि किन्हें चुना गया है, अभिलाषा बराक को ना, फर्स्ट वुमेन कॉम्बेट पायलट किसे चुना गया, अभिलाषा बराक ना, ये इनकी इमेजेस, ठीक है। इसमें से ये 26 ईयर्स की है ना, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है बस इसमें, ठीक है, किससे चुना गया, अभिलाषा बराक को, फाइन। उसी के साथ टूर ऑफ ड्यूटी है ना, ये टूर ऑफ ड्यूटी बहुत समय से न्यूज़ में चल रहा था एंड फाइनली इस चीज़ के बारे में बात होनी स्टार्ट हुई है। बेसिकली टूर ऑफ ड्यूटी ये चीज़ बताती है कि कुछ लोग, बच्चों को एंड यूथ को आर्मी में जाने की बहुत चाहत रहती है ना हर इंसान, मतलब एक अपनी कंट्री की सेवा करने की। तो इसी चीज़ को देखते हुए, लोगों का जज्बा देखते हुए, जो टूर ऑफ ड्यूटी एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें ये है कि यूथ को आर्म फोर्सेस हायर करेंगे अप्रॉक्स 3 to 5 years, ठीक है। इससे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी एंड जो हमारी आर्मी है वो भी और स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। तो ये है टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट, कि जो यूथ हैं उनको आर्म फोर्सेस में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए, उससे हमारी आर्म फोर्स और स्ट्रॉन्ग होगी एंड साथ ही साथ हमारे यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो 3 to 5 years के लिए ये अभी स्टार्ट हो रहा है, तो ये टूर ऑफ ड्यूटी का ये मतलब है, फाइन। और ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, तो चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ थे हमारे लेट जनरल बिपिन रावत जी, तो उन्होंने ये आइडिया बताया था कि टूर ऑफ ड्यूटी हमको स्टार्ट करना चाहिए, जो हमारी पावर है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ना। तो ये अभी हाल ही में स्टार्ट हो रहा, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। और प्रपोजल ये दिया गया कि जो भी सोल्जर्स उसमें रिक्रूट होंगे उसमें से 50% को नेशनल पेंशन स्कीम दी जाएगी एंड उसमें से जो भी सोल्जर्स रहेंगे उनको जो आर्म्ड फोर्सेस है वहाँ पे जो फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हो गया, अभी धीरे धीरे ये आ जाएगा एंड देन अभी धीरे धीरे इसकी फिर लूपहोल्स पता चलेंगे, तो ये हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी टूर ऑफ ड्यूटी हो गई, तो ये इससे इसके प्लस माइनस दोनों हैं, तो वो धीरे धीरे जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो हमें पता चलता जाएगा, बट अभी जो रिसेंट कॉन्सेप्ट में आया तो हमें इतना ही जानना है ना, फाइन। उसी के बाद मंकी पॉक्स वायरस, ये हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी मंकी पॉक्स वायरस दिख रहा है, तो जो भी साइंस टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है तो ये हमारे लिए एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो मंकी पॉक्स जो है वायरल जूनोटिक डिजीज, वायरल डिजीज है। जूनोटिक मतलब ये होता है, जूनोटिक डिजीज जब भी कोई डिजीज एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसफर होती है उस डिजीज को जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसफर जो डिजीज होती है उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं एंड मंकी पॉक्स कौन सी है, वायरल जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। और बेसिकली ये सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में फैल रही है,
वहीं से स्टार्ट हुई है, बट अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो इट्स अप्रॉक्स 12 कंट्रीज में ये फैल चुकी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि कोविड को भी हम लोगों ने बहुत मतलब बहुत लाइटली ले लिया था, एंड इट स्प्रेड्स इन द होल वर्ल्ड एंड बिकम अ पेंडेमिक। तो जब भी अब कोई डिजीज़ आ रही है, बेसिकली ये सोचने का विषय है हम सबके लिए कि हाल ही में क्यों इतनी सारी नई न्यू काइंड ऑफ डिजीज हमारे कंट्रीज में आते जा रही है ना, क्यों कंटिन्यूसली अलग, जैसे अभी टोमेटो फ्लूज भी चल रहा है, तो क्यों हमारी कंट्रीज में इतनी सारी डिजीजेज या वर्ल्ड में इतनी सारी डिजीज जनरेट हो रही, कभी हम लोग सोचे नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ के बारे में भी हमको सोचना है कि एक्चुअल में क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एनिमल्स और एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा असर होता है, उससे प्लांट्स पे ज़्यादा असर होता है। तो इस क्लाइमेटिक चेंजेस में जो इंटरेक्शन है ह्यूमन और एक प्रॉपर बाउंड्री रहती थी पहले, जब हम लोग डेवलपमेंट के स्टेजेस में नहीं थे, तो एक प्रॉपर बाउंड्री रहती थी, ह्यूमंस अपनी लाइफ में रहते थे, एनिमल्स अपनी लाइफ में। बट अभी जो है वो बर्डन इंक्रीज होते जा रहा है हमारे अर्थ पे, और कंटिन्यूसली क्योंकि हम डेवलपमेंटल स्टेज में जा रहे हैं तो बर्डन हमारे अर्थ पे इंक्रीज होता जा रहा है, एंड इसी कारण जो है वो बायोडाइवर्सिटी और जो हमारी क्लाइमेट सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। तो इसी कारण से जो नई नई डिजीज है, जो हमारी जो वर्ल्ड है, जो अर्थ है, वो चेंज हो रही है, इसी कारण जो है वो नई नई डिजीज हमें आजकल रोज सुनने में मिलती है। बिकॉज जो इम्बैलेंस हो रहा है ना नेचर में ड्यू टू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज के कारण, जो ग्लेशियर्स वगैरह क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, जो जो एक प्रॉपर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इसी कारण से नई नई डिजीज हमारे वर्ल्ड में भी हमको देखने मिल रही है। तो इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं ना कि पहले कोविड नहीं सुना था, पहले मंकी पॉक्स वायरस नहीं, तो ये सारे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए तो न्यू एनवायरनमेंट के लिए काम करने के लिए एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है, बट स्टिल बस चल रही हैं, लोगों में अवेयरनेस कम है। जब तक हम लोग खुद से वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, हर इंसान अपने एनवायरनमेंट के लिए वर्क नहीं करेगा, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। इन क्लाइमेटिक चेंज जो कंटिन्यूसली हो रहे हैं वो होते ही रहेंगे, तो ये सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की या कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इस अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ना होता कि और हम लोग जो प्रॉपरली एक पीसफुल लाइफ बिता सके, ठीक है। तो इसीलिए सारी डिजीज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रही है, नई नई डिजीज जो है वो बढ़ती जा रही है। फाइन, मंकी पॉक्स हम लोग ने देख लिया, वायरल जूनोटिक डिजीज है, एंड मेनली कहाँ पे हो रही है, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में हो रही है, एंड अभी 12 कंट्रीज में फैल चुकी है। फाइन, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस से हुई है क्योंकि 1958 में मंकीज में ये वायरस पाया गया था, तो और 1970 में ये ह्यूमन में देखा गया, तो मंकी पॉक्स में फर्स्ट टाइम देखा गया। तो एंड इसमें जो रहती है जैसे स्मॉल पॉक्स होते हैं, वैसे ही मंकी पॉक्स वायरस भी होते हैं, तो इसीलिए मंकी में देखा गया था फर्स्ट टाइम, और फिर 1970 में ह्यूमन में देखा गया था, इसलिए वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसलिए मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। तो बेसिकली हमारे एग्जाम्स में ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो वायरस है कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस है ना, ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। और फैमिली है पॉक्सवीड, ये दो चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मंकी पॉक्स वायरस से इतना, एंड इसके बाद हाँ जी, ये बंगाल वोमेन बिकम्स फर्स्ट इंडियन सिविलियन टू स्केल पिक अबव 8,000 विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट, कौन, पियाली बसाक ना, इन्होंने हाल ही में जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के चढ़ाई की है, एंड हम जो भी बेसिकली आई थिंक हर ह्यूमन बींग जो है वो जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ना, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे हम चढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बहुत रिड्यूस होता जाता है, तो मेनली सभी जो हैं वहाँ पे जितने भी माउंटेनियर जाते हैं वो ऑक्सीजन लेके ही जाते हैं, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन जो हमारे इंडिया की पियाली बसाक जो है बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड 2021 में इन्होंने माउंट धौलागिरी की भी चढ़ाई की थी, एंड इस साल इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड इसी के साथ बलजीत कौर, हाल ही में बलजीत कौर जी जो है ना, इन्होंने अप्रॉक्स
चार माउंट माउंट्स जो भी हाईएस्ट हाईएस्ट माउंटेन्स है उनकी तो उनकी चढ़ाई की, तो ये हमारे लिए चीज इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की ही है। और इनमें से माउंट एवरेस्ट, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कंचनजंगा, माउंट ल्हासा, ये सारे माउंट में इन्होंने चढ़ाई की है। तो ये हमारे लिए, तो अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन कौन से वुमेन ने अभी फोर माउंटेन्स में या लास्टली भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो ये सारी ये किन किन का नाम आएगा, बलजीत कौर का। और विदाउट ऑक्सीजन जो किया था वो पियाली बसाक, तो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है। पियाली बसाक ने विदाउट ऑक्सीजन किया था और इन्होंने विद ऑक्सीजन, बट ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि माउंटेन्स पे चढ़ना इट्स नॉट एन ईजी टास्क एंड हमारे इंडिया के हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड फाइनली रफाल नडाल जो हैं इनके 300 ग्रैंड स्लैम पूरे हो गए, 300 ग्रैंड स्लैम पूरे हो गए। और इनके बाद इनके पहले कौन कौन है, फेडरर है और जोंकोविक है, नोवाक जोंकोविक और फेडरर, और ये थर्ड नंबर के हैं जिन्होंने 300 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट किया है। ग्रैंड स्लैम मीन्स टेनिस टूर्नामेंट में जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, ये चार ग्रैंड स्लैम में आते हैं ठीक है। कौन कौन से, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, ये ग्रैंड स्लैम में आते हैं ठीक है। और 300 ग्रैंड स्लैम अभी तक कौन किन्होंने जीता था, तो हमारे थे फेडरर और जोंकोविक एंड थर्ड है नडाल ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है। हाँ जी, अब संगीत कला निधि अवार्ड्स 2020 से 2022। संगीत कला निधि अवार्ड कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो मद्रास म्यूजिक अकेडमी ऑर्गेनाइज करती है। और इस बार इन्होंने 2020, 2021, 2022 तीनों के अवार्ड्स दिए क्योंकि कोविड के कारण डिले हो गया था, तो इस बार इन्होंने तीनों के अवार्ड्स दिए फाइन। तो अब 2020 में किसको अवार्ड मिला है, 2021 में, 2022 में किसमें किसको क्या अवार्ड्स मिला, तो ये इम्पोर्टेंट है फाइन। तो 2020 में किसको मिला, नेवली आर सन नागोपालन ठीक है। थोड़ा सा अलग टोन में है ये, तमिल लैंग्वेज में या साउथ की लैंग्वेज में, तो थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी अगर आएंगी तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है। 2022 में किसको मिला, नेवली आर संतना गोपालन ठीक है। ये सारे नेम्स इंपॉर्टेंट है कि 2020 में संगीत कला निधि अवार्ड किसको मिला है ना, और 2021 में किसको मिला है, तिरुवरूर भक्तावत्सलम फाइन, किसको, तिरुवरूर भक्तावत्सलम 2021 में। और 2022 के लिए किसको मिला है, कृष्णन एन विजय लक्ष्मी ठीक है। तो ये तीन, ये 2020, 2021, 2022 तीन लोगों को, अप्रॉक्स फोर लोगों को अवार्ड मिला, तो ये हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है ठीक है। और इसी के साथ हाँ जी, संगीत कला निधि अवार्ड के बाद हाँ जी अनदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडियन एयरफोर्स को वर्ल्ड की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स माना गया है आफ्टर अमेरिका एंड रशिया ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग ऑफ 2022, किसके अकॉर्डिंग से, ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग ऑफ 2022, इंडियन एयरफोर्स को वर्ल्ड की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स अभी डिक्लेयर किया गया है फाइन। और किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग ऑफ 2022। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम से पूछ लेता है कि किसने इस चीज़ को, इस रिपोर्ट्स को पब्लिश किया है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है, तो ये किसने रिपोर्ट, सॉरी, किसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग ऑफ 2022। और जिसमें क्या बताया गया है कि इंडिया जो है थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है आफ्टर अमेरिका एंड रशिया, इंडिया के बाद है चाइना, एंड इसलिए ये हमारे लिए बहुत विन विन सिचुएशन है कि हमारी एयरफोर्स जो है वो इतनी स्ट्रांग है फाइन। और ये ग्लोबल मीडिया निकालती है, ग्लोबल रैंकिंग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है आज इस हफ्ते की। इसी के बाद हाँ जी, बुलंद मेज जो है वो रिलीज होने वाली है, 27th को रिलीज हुई है, अप्रॉक्स 100 स्क्रीन्स में रिलीज हुई है, सीजी की मूवी है, तो ये अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाती है ठीक है। तो भुलंद मेज फर्स्ट, मतलब ये फिल्म जिससे नेशनल अवार्ड मिला, छत्तीसगढ़ फिल्म, तो इसीलिए ये अभी रिलीज हो रही थी, इससे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ना बनता ही है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है। तो इससे रिलेटेड अभी हाल ही में क्वेश्चंस भी आए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर हुआ था,
तो और भी आ सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें लर्न करके रखनी है ना। ठीक है, तो नेशनल अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ फिल्म किसको, भूलन द मेज को। किस पे आधारित थी फिल्म, इज बेस्ड ऑन द नॉवल भूलन कांदा, ऑथर्ड बाय संजीव बख्शी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन, कि फिल्म इज बेस्ड ऑन कौन से नॉवल पे बेस्ड है, भूलन कांदा पे, और ऑथर किसके हैं, वो संजीव बख्शी ने इस बुक को लिखा था। और दिस फिल्म हैज बीन मेड इन छत्तीसगढ़ लैंग्वेज बाय मनोज वर्मा। ये भी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, कि किसके द्वारा ये फिल्म बनाई गई है, मनोज वर्मा के द्वारा बनाई गई है, कौन सी नॉवल यूज की है, भूलन कांदा नॉवल से ये मूवी बनी है, और इसके ऑथर कौन थे, संजीव बख्शी। ठीक है, तो ये सारी चीजें डायरेक्टली पूछी है, अभी ये पूछा गया, अभी ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, कोई भी पेपर्स में ये सारी चीजें, क्योंकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूछी जा सकती है, तो ये हमें लर्न करके अभी से रखना। ठीक है, मनोज वर्मा जी इसको ने इसे बनाया है, और संजीव बख्शी की उपन्यास भूलन कांदा से इसे लिया गया है, फाइन। तो स्क्रीन्स में अभी हाल ही में ये रिलीज हुई, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करेंटली, और स्टैटिक दोनों को अगर हम एग्जामिनेशन से लिंक करके चलेंगे तो। ठीक है, और अभी हाल ही में इस न्यूज़ में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड किसको मिला है, तो डॉक्टर किरण मई नायक। ठीक है, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड रिसेंटली सीजी में किसको मिला है, तो किरणमयी नायक, ना, डॉक्टर किरणमयी नायक जी, ना, ये वाला अवार्ड है। ठीक है, और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत शिखर सम्मेलन में छत्तीसगढ़ को डिजिटल शासन यानी कि डिजिटल गवर्नेंस के लिए एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हाल ही की न्यूज है कि आत्मनिर्भर भारत शिखर सम्मेलन हुआ था, आत्मनिर्भर भारत शिखर सम्मेलन, उसमें सीजी के डिजिटल गवर्नेंस को एलेट्स इनोवेशन अवार्ड मिला है, फाइन। तो ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये पुरस्कार क्यों मिला है, दिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट को मिला है, सोशल वेलफेयर, छत्तीसगढ़ के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मिला। क्यों मिला है, फॉर कंप्यूटराइजिंग द एनजीओ रजिस्ट्रेशन एंड मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ग्रांट ऑनलाइन एट अ फंक्शन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। किस चीज़ के लिए मिला है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मिला किस चीज़ के लिए, कि जो उन्होंने एनजीओ का जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो भी उनको एनजीओ को ग्रांट्स दिए जाते हैं, सब चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया, तो ये डिजिटल गवर्नेंस दिखाता है छत्तीसगढ़ का। इसी वजह से छत्तीसगढ़ के डिजिटल गवर्नेंस को नेशनल एलेट्स इनोवेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, ये पुरस्कार समाज कल्याण विभाग को मिला है, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एनजीओ पंजीकरण और मान्यता और अनुदान की जो प्रक्रिया थी, जो उसको ऑनलाइन कर दी गई है, इसी चीज़ के लिए अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, इतना ही हमको इसमें याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, और ये हाट बाजार छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एंटी एंट्री और एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार जिले के गीदम विकास खंड अंतर्गत बारसुर में निर्माण किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट एंट्री एग्जिट मॉडल जो है, छत्तीसगढ़ स्टेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बारसुर अंडर गीदम डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ हाट बाजार डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये हाट बाजार के तौर पे ओपन किया गया है बारसुर में, जिसमें एंट्री और एग्जिट डोर है। तो ये कहाँ एंट्री एग्जिट डोर वाला हाट बाजार कहाँ पे ओपन किया गया है, तो बारसुर में ओपन किया गया है। कहाँ पे, गीदम तहसील, जो कि कहाँ पे, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे खोला गया, बारसुर में। सेकेंडली, इट इज कंसिडर्ड टू बी द लाइफ लाइन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। अब हम ये सोचेंगे कि किस ये क्यों, सीजी के करंट अफेयर्स और जितने भी नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स है ना, जितने भी वीकली होते हैं, उसको हम लोग मंडे को डिस्कस करते हैं। ठीक है, शेखर जी, हाँ जी, तो जितने भी करंट अफेयर्स वीकली होते हैं, उसको हम लोग सारे को मंडे को डिस्कस करते हैं, फाइन ना। तो ये हाट बाजार हम बेसिकली सोचेंगे कि अभी जो बारसूर में ओपन हुआ है, तो ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, तो छत्तीसगढ़ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इट्स कंसिडर्ड टू बी द लाइफ लाइन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। ये हाट बाजार जो रहता है वो रूरल इकोनॉमी की लाइफ लाइन रहती है। ठीक है, विद द इनिशिएटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडल हाट बाजार हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज टू द विलेजर्स। शहर में हम जब रहते हैं तो हमें इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता रहती, बट जब गांव में रहते हैं तो वहाँ पे हमें पता रहता है कि हाट बाजार की क्या इंपॉर्टेंस है, रूरल इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है।
इसीलिए ये सारी चीज़ें डे टू डे डेवलप की जाती है ताकि हम लोग ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट स्टार्ट करें, ताकि ग्रास रूट लेवल में डेवलपमेंट होगा तो आगे भी डेवलपमेंट कंटिन्यूसली अहेड जाता रहेगा, बेहतर होगा। ठीक है, इसीलिए ये हाट बाज़ार जो है मेनली जो अभी एंट्री एग्जिट मॉडल ऑफ हाट बाज़ार ओपन किया गया है बात से भाई, इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसी के साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉन्च ऑफ न्यू यूनिट ऑफ डेनिक्स, डेनिक्स दंतेवाड़ा नेक्स्ट, दंतेवाड़ा नेक्स्ट के बारे में जिसे भी दंतेवाड़ा नेक्स्ट के बारे में पता है ना तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर्स 30 words के लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि डेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए बेसिकली, तो लोगों को जो भी बच्चे अगर बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो उनको और नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी को भी नॉलेज होगा डेनिक्स के बारे में तो इसे कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद लिख दीजिएगा, ताकि अगर बाद में भी जब बच्चे क्लास देखें तो उनके लिए मिल जाए आंसर वहीं पर, तो बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब एक पढ़ने बैठते हैं और एक जब बेसिकली हम लोग टर्न करते हैं या खाली भी बैठे रहते हैं और रिलेटेड टू स्टडीज हम लोग अगर कुछ पढ़ते हैं तो वो चीज़ें एग्जाम्स में क्लिक करती हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और डेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ना, तो इसीलिए ये हमारे लिए अभी जैसे इसकी 5th unit ओपन हुई है। ठीक है, डेनिक्स की डेनिक्स है फुल फॉर्म दंतेवाड़ा नेक्स्ट, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, और 23 May को चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इसकी 5th unit की इनॉग्रेशन किया है डेनिक्स की, नहीं का कहाँ पर किया गया है, छिंदनार में। डेनिक्स की 5th unit का इनोग्रेशन कहाँ पे किया गया है, छिंदनार जगह पे। ठीक है, और MOU साइन हुआ है, MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो लोगों के बीच में जब कोई एग्रीमेंट साइन होता है उसको MOU बोलते हैं, फाइन। और MOU जो छिंदनार में जो डेनिक्स ओपन हो रहा है दंतेवाड़ा नेक्स्ट, बेसिकली क्या हो रहा है, ये गारमेंट फैक्ट्री है ना, टेक्सटाइल्स फैक्ट्री है, तो जो वहाँ पे डेनिक्स में जो भी कपड़े बनते हैं तो वो वहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे रूरल में जितने भी लोग हैं वहाँ पे बस्तर में दंतेवाड़ा में ये सारी जगह पे, तो उनका डेवलपमेंट होता है, इनसे जो नक्सलिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, और उनके साथ ये सब रिमूव होने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती है, क्योंकि इनको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इन एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एम्पावरमेंट होता है वहाँ पे वुमेंस का, तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली 5th unit इसी कहाँ खोली गई है, छिंदनार में खोली गई है। MOU साइन हुआ है किसके किसके बीच, MOU साइन हुआ है डेनिक्स FPO एंड एक्सपोर्ट हाउस तिरपुर, किसके किसके बीच में MOU साइन हुआ है, डेनिक्स FPO और एक्सपोर्ट हाउस तिरपुर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट है कंट्री की होल सेल की, कोयम्बटूर तमिलनाडु की। जो एक्सपोर्ट हाउस तिरपुर है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर की लार्जेस्ट यूनिट है हमारी कंट्री में होल सेल की। तो डेनिक्स FPO और ये जो एक्सपोर्ट हाउस तिरपुर है इनके बीच में MOU साइन हुआ है, और छिंदनार में साइन हुआ है। ये दोनों हमको याद रखना है कि कहाँ पे 5th unit ओपन हो रही है और किसके बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, और अभी अगर हम ये देखेंगे कि डेनिक्स के और कहाँ कहाँ पे जो 4 unit है उसमें वो कौन कौन सी है, तो वो है हरम, बारसूर, करली और कटेकल्या, एंड 5th हो गई हमारी छिंदनार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ 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 पर डेनिक्स की यूनिट है और अभी 5th कहाँ पे हुई है, तो हरम, बारसूर, करली, कटेकल्याण में है और अभी छिंदनार में ओपन हो रही है। ठीक है, और ये जो हरम है, बारसूर है, करली और कटेकल्याण है, इनके जो टेक्सटाइल्स और जो भी कपड़े गारमेंट्स बनते हैं वर बींग सेंड टू बेंगलुरु, बट आफ्टर दिस ये इन सब यूनिट से जो भी टेक्सटाइल्स और जो भी गारमेंट्स बनते हैं वो बेंगलुरु भेजे जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है, एंड इस MOU के बाद जो कि डेनिक्स FPO और ये जो तिरपुर के एक्सपोर्ट हाउस तिरपुर के बीच में जो MOU हुआ है, इसके बाद द क्लोथ्स टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द छिंदनार द 5th unit ऑफ डेनिक्स विल ऑल्सो बी सीन इन द UK एंड US मार्केट। इसका ये मतलब है कि अब जो छिंदनार जहाँ पे न्यू यूनिट डेनिक्स की ओपन हो रही है, अब इसके वजह से जो वहाँ से कपड़े UK और US मार्केट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे एक जगह से, हमारे CG की एक प्लेस से जो वुमेंस हैं और जो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, इन वो सारी चीज़ें फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होता है, साथ में एम्पावरमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी GDP ग्रोथ का रीज़न होती है। ठीक है, कंट्रीज़ की डेवलपमेंट का रीज़न होती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन के लिए भी, इन साथ साथ एज अ
सिटीजन एंड कंट्री के लिए भी, ठीक है, क्या मेनली सर्विस टू द नेशन इज मीन सर्विस टू द पीपल। तो इस तरीके से लोगों के भी डेवलप होगा, साथ में हमारी कंट्री का भी डेवलप होगा एंड अल्टीमेटली द वर्ल्ड विल बी प्रॉस्पेरस। ठीक है, ये हमारी होगी डेनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हमें पढ़ना है। इसी के बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर टॉपिक इज झीरम वैली जो मार्टियर्स मेमोरियल है। ठीक है, सबसे पहली बात झीरम वैली के ट्रिब्यूट देने के लिए, जो 2013 में जो झीरम वैली में जो शहीद हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ से अप्रॉक्स 32 पीपल्स, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 25 मई को उनको डेडिकेट किया गया। उस दिन झीरम वैली ट्रिब्यूट डे हम लोग सेलिब्रेट करते 25 मई को, और 2013 में हुआ था मई 25, मतलब झीरम वैली ट्रिब्यूट डे कब मनाया जाता, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और 32 पीपल्स शहीद हुए थे इस दिन। तो इसी को देखते हुए झीरम वैली मार्टियर्स मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। झीरम वैली मार्टियर्स मेमोरियल कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जगदलपुर में। ठीक है, लगभग ग्राउंड में। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है, जगदलपुर में झीरम वैली मार्टियर्स मेमोरियल जगदलपुर में ओपन हो रहा है, और झीरम वैली इसका ट्रिब्यूट डे का हम सेलिब्रेट करते 25 मई को। ठीक है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। ठीक है, और इसके बाद छत्तीसगढ़ को सेकेंड स्टेट टू गिव फॉरेस्ट रिसोर्स एक्रेडिटेशन इन द नेशनल पार्क एरिया। इसका ये मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया रहता है ना, बेसिकली कुछ फॉरेस्ट एरिया में हम लोग कम्युनिटी राइट्स देते हैं कुछ कम्युनिटीज के वहाँ के लोगों को। नेशनल पार्क एरिया हम सबको पता है कि एक प्रोटेक्टेड एरिया रहता है, तो वहाँ पे हम लोग किसी को भी कुछ भी वर्क या डिसीजंस लेने के लिए राइट्स नहीं दे सकते। तो अभी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स जैसे ओडिशा को है, और सेकेंड स्टेट कौन बना, छत्तीसगढ़। इसका बेसिकली ये मीनिंग होता है कि एक स्टेट कोई अथॉरिटी है कि वो CFR राइट्स जो है, ये हमें ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, कि हमारे स्टेट को ओडिशा के बाद हमारे स्टेट को ये राइट मिल गया कि वो ये वाले राइट्स को एक्रेडिट कर सकती, मतलब मान्यता दे सकती है कि ये पर्टिकुलर एरिया के लोग जो हैं ये नेशनल पार्क का एरिया को यूज़ कर सकते, बेसिकली यही। ठीक है, द सेकेंड स्टेट टू गिव द फॉरेस्ट रिसोर्स एक्रेडिटेशन मतलब होता है मान्यता। तो नेशनल पार्क एरिया में ओडिशा के बाद अगर कोई स्टेट को ये राइट्स दिए गए हैं कि वो एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स दे सकती है, उसको मान्यता दे सकती है, तो वो है छत्तीसगढ़। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को क्योंकि मिला है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि विच, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच स्टेट गॉट द फॉरेस्ट रिसोर्स एक्रेडिटेशन इन द नेशनल पार्क एरिया, तो छत्तीसगढ़ ना, ओडिशा फर्स्ट है, सेकेंड छत्तीसगढ़। और ये क्यों दिया जाता है, इसलिए ये दिया जाता है ताकि अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इनकम। अब ये मान्यता हम लोग इसलिए देते हैं, पर्टिकुलर नेशनल पार्क के एरिया में भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज रहती है जिनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है कि वहाँ की चीज़ों को यूज़ कर सके। तो इसीलिए ये राइट्स स्टेट अगर नेशनल पार्क के एरिया के कम्युनिटीज को देती है, तो वहाँ के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सेकेंडली उनको इनकम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती है ताकि जो बेसिक लेवल के भी जो लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट और इनकम के चांसेस मिले, और वो जो हमारी बेसिक जो डेवलपमेंट की लाइन है उसमें इंक्लूड हो सके और उनका भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए है। और इसी के साथ साथ अभी जब राष्ट्रीय उद्यान के जब एक्रेडिटेशन वाली मीटिंग थी, तो उसी में चीफ मिनिस्टर्स में और भी डिसीजंस लिए थे, उसमें से ये था कि कोटमसर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी युवाओं को 15 जिप्सी वाहन दिए जाएंगे ना। ये सारी जो चीज़ें हैं डायरेक्टली पूछ ली जाती है एग्जाम्स में कि क्या क्या जो स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी घोषणा होती है वो अपने आप में हमारे लिए एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज
ऑफिसर्स जब हम जो भी एग्जाम्स देते हैं बेसिकली हम लोग इंडिया को या अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए देते हैं, सर्विस करने के लिए देते हैं, एंड जब तक हम अपनी ये सारी जो चीज़ें होती है वो हमारी कंट्री को स्टेट को बेहतर करने के लिए होती है, इसीलिए इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो अभी इन्होंने क्या क्या घोषणा की हमारे सीएम ने, सी कोटमसर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी युवाओं को 15 जिप्सी वाहन दिए जाएंगे, ठीक है। सुकमा के दोरनापाल, कोकनार और तोंगपाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू किए जाएंगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। सड़क का निर्माण कनकपाल से लेड़ा और जीराम से एलमनार तक किया जाएगा, ठीक है। और आदर्श देवगुड़ी की स्थापना मावली पदार, नीतनार, पांड्रीपनी और मध्यपाल में की जाएगी। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं आदर्श देवगुरी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये सारी जगह पे, ठीक है, मावली पदार, नीतनार, पांड्रीपर और मड़पाल, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम लोगों को याद रखनी है ना। इसी के साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट का फर्स्ट फार्मर्स स्कूल कहाँ पे ओपन होने वाला है, स्टेट का मतलब छत्तीसगढ़ का फर्स्ट फार्मर स्कूल कहाँ पे ओपन होने वाला है, बहराड़ी में। कहाँ पे? बहराड़ी में छत्तीसगढ़ का फर्स्ट फार्मर स्कूल ओपन होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री जहाँ पे फार्मर्स को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग, पहला स्कूल जिसमें फार्मर्स को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मिंग कैसे करनी है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ ओपन हो रहा है, बहराड़ी में ओपन होगा, और वहाँ पे क्या फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से फार्मिंग की जाती है, किसानों को खेती के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो उनको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। और इन दिस स्कूल फार्मर्स विल बी गिवन इन्फॉर्मेशन 18 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, 18 अलग अलग भाषाओं में फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में किसानों को कृषि के क्षेत्र में 18 विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाएगी, 18 विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाएगी, ठीक है, विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाएगी, ये चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 18 विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाएगी, प्रशिक्षण में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की जानकारी मिलेगी, ठीक है। फार्मर्स को बहराड़ी में जो स्कूल खुलेगा फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और उसमें अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे और थ्योरी भी होगी, ठीक है। और इस स्कूल में फार्मर्स विल बी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट, और फार्मर्स को बेसिकली क्रॉप्स ग्रोन करना है, किस तरीके से कौन कौन से पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स डालने हैं, कौन कौन से सॉइल को बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस स्कूल में किसानों को खरीफ फसल के बारे में बताएंगे, रबी फसल के बारे में बताएंगे, पशुपालन के बारे में बताएंगे, डेयरी मुर्गी पालन के, मत्स्य पालन, लाख उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, सब्जी खेती प्रबंधन, कोसा कीट पालन और कृषि क्षेत्र में अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी तो हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो और ज़्यादा डेवलप होगा, इम्प्रूव होगा, है ना। तो ये बहुत इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ओपन कहाँ पे हो रहा है, बहराड़ी में ओपन हो रहा है, तो ये हमें याद रखना है ना। डायरेक्ट ये सारी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो अगर रेगुलरली हम लोग इन सब चीज़ों को याद रखते रहेंगे तो ये बहुत बेहतर हो जाता है हमारे लिए, ताकि एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा बर्डन एक साथ नहीं पड़ता, है ना। इसी के साथ ये सारी चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती है, जैसे भागिनी मैटरनिटी असिस्टेंस स्कीम, अब इसका क्या नाम हो गया है, मिनी माता महतारी जतन योजना, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भागिनी मातृत्व सहायता योजना का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है, मिनी माता महतारी जतन योजना, ठीक है, ये नाम रखा गया। 23 मई 2022 को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के हितग्राहियों के लिए भागिनी मातृत्व सहायता योजना का नाम पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन कर अब मिनी माता महतारी जतन योजना कर दिया गया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भागिनी मातृत्व सहायता योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जो ये है कि जो असंगठित क्षेत्र मीन्स अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे जो वुमेन्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, वर्किंग वुमेन्स को मैटरनिटी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसका बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, ठीक है। और अब इसका नाम मिनी माता पे चेंज हो रहा है, मिनी माता महतारी जतन योजना, तो ये हमें याद रखना, मिनी माता महतारी जतन योजना, कौन सी, भागिनी मैटरनिटी स्कीम जो है
भागिनी मातृत्व सहायता योजना अभी नेम चेंज होके मिनी माता महतारी जतन योजना में चेंज होते, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया इससे इम्पोर्टेंट। एंड अनदर थिंग इज पीजी के जो सीएम भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ का फर्स्ट फुटबॉल ग्राउंड जो है जगदलपुर में रिकग्नाइज किया गया है फीफा द्वारा, जो कि जगदलपुर में फुटबॉल ग्राउंड जो है उसको फीफा द्वारा मान्यता दी गई है। फीफा जो है वो फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन जो फुटबॉल्स कंडक्ट कराती है पूरे वर्ल्ड में, तो उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के फुटबॉल ग्राउंड को मान्यता दे दी थी। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इससे क्या होगा, फुटबॉल ग्राउंड को अगर फीफा ने मान्यता दे दी तो इससे ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं बस्तर जिले के या जहाँ जगदलपुर में जिससे ओपन हो रहा है, इससे वहाँ के आसपास के एरिया में फुटबॉल के लिए अवेयरनेस क्रिएट होगी। तो जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स लोग खेलते हैं तो फुटबॉल के लिए भी अवेयरनेस क्रिएट होगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है। तो सिंथेटिक वहाँ पर रनिंग ट्रैक भी है, ठीक है, साथ साथ। और MOU साइंड हुआ है, जो MOU साइंड हुआ, एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, ताकि ये फुटबॉल को हम लोग बस्तर जिले में और बहुत सारे लोगों के बीच में फैलाएं और अवेयरनेस क्रिएट करें, इसको प्रमोट करें। तो ये MOU किसके बीच में साइन हुआ है, द आर्डर फुटबॉल एकेडमी भुवनेश्वर उड़ीसा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों के बीच में MOU साइन हुआ है। बस्तर में जमीनी स्तर पर सामुदायिक फुटबॉल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए द ऑर्डर फुटबॉल अकेडमी भुवनेश्वर की है, जो द ऑर्डर फुटबॉल अकेडमी कहाँ की, भुवनेश्वर की है। और बस्तर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल, बस्तर का जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है वो, और बस्तर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों के बीच में MOU साइन हुआ है, ताकि फुटबॉल को हम लोग उस एरिया में प्रमोट करें, ताकि वहाँ से ज़्यादा लोग निकलें, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। ओके, फाइनली हमारी सारी न्यूज़ इस वीक की कम्प्लीट हो गई है ना, इस वीक की सारी न्यूज़ कम्प्लीट हो गई। अगर इसमें से कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड अगर उसके बाद ये जो हमारी हर वीक के जो हम लोग 5 क्वेश्चंस लेते हैं, वो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स कर सकते हैं, ताकि लोगों को भी इसके आंसर्स पता चल जाए। इन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो जो हम क्लास अगर अच्छे से देखे रहते तो वो रिविजन भी हो जाता है और एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस ये है, वेयर डिड द स्टेट्स फर्स्ट मॉडल हार्ट मार्केट लॉन्च, राज्य का पहला मॉडल हार्ट मार्केट कहाँ लॉन्च किया गया है, जो अभी हम लोगों ने देखा है, बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, दंतेवाड़ा। इसके साथ ट्रम्प क्वाड को सबसे पहले किसने रखा था, नरेंद्र मोदी, शिंजो आबे, जो बाइडन, स्कॉट मॉरिसन। किस प्लेस पे झीरम वैली मार्टिर्स मेमोरियल इनॉग्रेट हो रहा है, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा, सुकमा। रिसेंटली किसे दादा साहेब फाल्के इनोवेशन अवार्ड मिला छत्तीसगढ़ से, किरणमयी नायक, चरणदास महंत, रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल। एंड वेयर विल बी द छत्तीसगढ़ फर्स्ट फार्मर स्कूल ओपन, भैराडी, आरंग, सुकमा या सूरजपुर, ठीक है। तो इसके कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दीजिएगा, और नहीं तो नेक्स्ट वीक में तो हम इसके सारे आंसर्स बताए देंगे, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई, और हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे ADO की हमारी स्पेशल बैच स्टार्ट हो रही, तो ये अभी ADO एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट होगी। इसमें सारे पंचायती राज, लाइवलीहुड, जितने भी टॉपिक्स हैं ADO से रिलेटेड वो कंप्लीट किए जाएंगे। ये कब से स्टार्ट हो रही है, 1 June 2022 से स्टार्ट होगी, और 11 बजे से 1 बजे तक आप लोगों की क्लास रहेगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। एंड ये हमारा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट होगा तो आप 9111 9222 9222 में आप लोग कॉल करके इससे रिलेटेड जो भी जानकारी वो पूछ सकते हैं। CGPSC की जो 2022 की न्यू बैच है वो 30 मई से स्टार्ट होगी, मॉर्निंग 7 बजे से 10 बजे तक, एंड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और इसी के साथ जो UPSC की मेंटरिंग बैच 2023 की, वो भी यहाँ पे आप यहाँ आके जो भी UPSC से रिलेटेड डाउट है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, या जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल कैसे चूज करना है, तो यहाँ आके आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, मेंटरिंग बैच में, है ना। और इसी के साथ CGPSC की जो न्यू बैच है, इवनिंग बैच, वो 1 June से स्टार्ट होगी 2022, 1 June, और 5 बजे से 8 बजे तक रहेगी, ठीक है। और UPSC की नई बैच 31 मई से 5 बजे से 8 बजे तक होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के लिए। और इसी के साथ जो हमारा UPSC का फ्री वर्कशॉप हम रायपुर में 10, 11, 12 June को जो ओपन होगा, ये फ्री रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। UPSC से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, तो यहाँ आप आके
दो सेशंस हमारे रहेंगे, उसमें आप अटेंड कर सकते हैं, जो यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी अनाउंसमेंट्स थी, और अगर ये वाली इस पीपीटी का आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है पाथ पीएससी एकेडमी, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इस पीपीटी का, एंड जो भी क्लास वो यूट्यूब में तो आपको मिल ही जाएगी, एंड जो भी रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास, ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगी सारी चीज़ें, तो थैंक यू वेरी मच।